नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। गोपालगंज के माझागढ़ के एक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला की सांप काटने से हुई मौत के बाद आक्रोशित परिजन व ग्रामीण अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ कर डॉक्टरों और कर्मचारियों को पीट पीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न होने पर डॉक्टर और कर्मचारी अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। गोपालगंज के माझागढ़ के स्थानीय थाना क्षेत्र के शेख परसा गांव के ध्रुव भगत के पत्नी चांदनी देवी का सर्प डसने से हुई मौत से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों के द्वारा मांझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी रूम के दरवाजे को तोड़कर रूम में घुसकर डॉक्टर और कर्मचारी को डंडे से पीट पीट कर जख्मी करने के मामले में 13 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध माझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन घटना के 2-3 दिन बाद भी एक भी अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य केंद्र के सारे कार्य को बंद कर दिया और हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में स्वास्थ्य कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि जब तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है, तब तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर रहने के कारण आउटडोर सहित टीकाकरण कार्य भी बाधित रहा, जिससे लोग परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। ये 7 तारीख को सुबह 8 बजे के करीब शेख परसा गांव के कुछ उपद्रवी आकर के अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे और डॉक्टर को मारे और जो स्टाफ ड्यूटी पे थे उनको बुरी तरह मारा। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने थाना में FIR किया 7 तारीख को, लेकिन अब भी तक 13 नेम्ड हैं और 50 उसमें अज्ञात, लेकिन अभी तक एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं है। कब तक हड़ताल? हम लोगों का यही डिमांड है कि जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पर ही रहेंगे। 4 दिन हो गया और किसी भी अपराधी को गिरफ्तारी नहीं हुआ है, इसी के लिए हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और OPD सेवा सब बाधित है। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी। किस लिए बैठे हैं लोग हड़ताल पे? यहाँ पे सर्प दंस की एक पेशेंट यहाँ से रेफर हो चुकी थी और वहाँ जाके गोरखपुर में मरी है, उसके बाद से यहाँ पे आके और लोगों द्वारा मारपीट किया गया डॉक्टर से और कर्मचारियों से और अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया, और आज तक 4 दिन होने जा रहा है और आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कब तक चलेगा ये? जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम लोग अनशन पर करेंगे और इसके बाद से इमरजेंसी सेवा को भी बाधित करेंगे।